एज एक्सपेक्टेड पेटीएम के शेयर में 12% से ज्यादा की गिरावट दिखी, जिसका सबसे बड़ा कारण आपको पता ही है, पेटीएम बैंक के न्यू क्लाइंट के इनबोर्डिंग पे आरबीआई ने बैन कर दिया है, जो कि आईटी के जो भी बैलेंस शीट है उसके ऑडिट के बाद ही फिर से शुरू की जाएगी। और साथ में कल एक ब्रेकिंग न्यूज ये भी ट्रेंड हो रहा था कि विजय शेखर एक किसी कार एक्सीडेंट में डीएसपी के गाड़ी को फरवरी के आसपास का इंसिडेंट है ठोक दिया था, उसके बाद उसको जेल हुई थी, हालांकि तुरंत ही बेल भी मिल गया था। उस दो निगेटिव न्यूज के बाद स्टॉक में आज 12% के आसपास की गिरावट दिखी है। और कभी भी गिरते हुए शेयर को पकड़ने की गलती ना करें, जो न्यू ट्रेडर होते हैं उनको लगता है कि गिरते हुए शेयर को अगर पकड़ लेंगे तो कभी ना कभी तो बढ़ेगा ही, लेकिन ऐसा गलती नहीं करें। इसमें होता क्या है कि आपका कैपिटल फंस जाता है, तो इस समय पेटीएम से रिकमेंडेशन रहेगा कि इस स्टॉक से जितना दूरी बनाए उतना आपका कैपिटल सेफ रहेगा।